अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक और न्यू स्केल की, जिसका मॉडल नंबर है A12E। ये भी काफ़ी क्वालिटी वाइज अच्छा इंडिकेटर है तो मेड इन चाइना का ही, लेकिन क्वालिटी वाइज ये थोड़ा सा बेहतर इंडिकेटर है। चलें दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं। जब हम बॉक्स को करेंगे तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर एक मैनुअल होगा और इसकी जो कनेक्टर वगैरह हैं ये वो अंदर से बॉक्स के अंदर से इसके निकलेंगी। उसके अलावा ये इसकी ब्रैकेट है जो कि हमने प्लेटफॉर्म के साथ हम लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा बॉक्स में तो और कुछ भी नहीं है, खाली है बॉक्स, ये चीज़ें हम अंदर ही डाल देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका मॉडल नंबर है A12E। यह हुआ का ये इंडिकेटर है, क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। तो ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। अब हमने इसको लगाना है प्लेटफॉर्म के साथ। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसमें जो कनेक्टर लगता है ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल कनेक्टर है, ठीक है ना। ये खाली हम प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, इसको आमतौर पे कंप्यूटर वगैरह के साथ हम अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही जो कनेक्टर है वो खाली प्लेटफॉर्म के साथ, यानी लोड सेलों का कनेक्टर है ये। तो इसमें जो इसके कनेक्शन हैं ये आमतौर पर T6 के जो कनेक्शन होते हैं वही इसके कनेक्शन होते हैं। तो हमने जो ये वाली जो केबल है वो हमने इसके साथ लगा देंगे। लगाने के बाद जब हम इसको ऑन करेंगे, ये Error 3 दिया है। Error 3 इसका कैलिब्रेशन का एरर है, तो यानी Error 3 दिया गया, कोई भी रीडिंग दे रहा है, यानी -1.275 ये रीडिंग दे रहा है। तो अब हम इसके ऊपर अगर वेट डालेंगे तो ये -0 होगा और उसके बाद ये वेट ऊपर शो करेगा। ये देख रहे हैं ये सेंस कर रहा है, इसका मतलब है कनेक्शन जो है इसके T6 वाले कनेक्शन ही इसके हैं। तो अब सिंपल इसकी कैलिब्रेशन करेंगे, लेकिन कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ जो कि हमारे चैनल में अभी तक न्यू है और अभी तक उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें। साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी विंग स्किल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो चलें दोस्तों, इसकी कैलिब्रेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड, अब कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इसका एक कैलिब्रेशन का स्विच है। इसको हमने कैलिब्रेशन करने से पहले इसको हमने खोल लेना है। ये देख लें, आपने जब ये खोलेंगे तो आप इसके अंदर ये एक पुश बटन देखेंगे, ये इसका इसके अंदर एक पुश बटन है। जब हम कैलिब्रेशन कंप्लीट कर देंगे और हमारे यहाँ पर शो एंड शो होगा, तो यहाँ पर हमने एंड पर ये पुश बटन को हमने प्रेस करना है ताकि ये कैलिब्रेशन सेव हो जाए। तो अब इसमें हमने क्या करना है कि हैश का जो बटन है इसको हमने प्रेस करते हुए रखना है और पीछे से हमने इंडिकेटर का स्विच पावर को ऑन करना है। जब ये पावर ऑन होगी और ये सारी रीडिंग शो होगी, जब ये 99 के ऊपर आकर स्टेबल हो जाएगा तो हमने इस हैश के बटन को छोड़ देना है। तो हमारे सामने D लिखा आ जाएगा, D के आगे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये इसकी डिवीज़न है। अगर हमने फर्ज करें इसकी डिवीज़न 2 ग्राम रखनी है तो ये हम 2 ग्राम भी रख सकते हैं, यानी 5, 10, ये जो भी हमने ये रखनी है। इस टाइम हमने फर्ज करें इसको 100 ग्राम पर चलाना चाहते हैं तो हमने ये 1 रख देंगे। उसके बाद हमने हैश के बटन को प्रेस करेंगे, ये इसकी डेसिमल पॉइंट आ गई, यानी कि इशारे के बाद कितने 0 हैं, ये भी आप टीयर की मदद से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इशारे के बाद 100 ग्राम पे चलाना है तो हम इसको 1 रख देंगे, अगर हमने 10 ग्राम पे चलाना है तो हम 2 डेसिमल रख देंगे, अगर हमने 1 ग्राम पे चलाना है तो हम 3 डेसिमल रख देंगे, ठीक है। इसलिए अभी हमने 100 ग्राम पे चलाना है तो इसके इशारे के बाद हमने 1 0 रख दिया। उसके बाद हम हैश के बटन को प्रेस करेंगे, हमारे सामने ये फुल लिखा हुआ आ गया। हम टीयर के बटन से इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर लोड सेल कितनी KG का लगा हुआ है। तो हमने टीयर की मदद से हम राइट साइड पर जाएंगे। अब ये आप देख रहे हैं कि ये डॉट जो है उस टाइम 2 के ऊपर है, तो
तो अगर हमने इसको सर्फ करें कि 500 kg के ऊपर चलाना है, तो 0 की मदद से हमने वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। ये वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है, ये इशारे से पहले 500 लिखा हुआ आ गया है, तो अगर और भी वैल्यू को चेंज करनी है तो टीयर और 0 की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने हैश के बटन को प्रेस करना है। जब हैश के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने नो लोड लिखा हुआ आ जाएगा। जब नो लोड लिखा हुआ आएगा तो हमने ये प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने कोई भी वजन नहीं रखना। तो जब ये स्टेबल की लाइट ऑन हो जाएगी तो हमने हैश के बटन को दोबारा प्रेस करना है। हमारे सामने ऐड लोड लिखा हुआ आ गया है। जब ऐड लोड लिखा हुआ आएगा तो हमने कोई भी वैल्यू जिसका वेट हमें पता है वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देनी है। फर्ज करें कि ये जो वैल्यू हमने रखी है इसका वेट जो है 50 kg है, तो हमने यहाँ पर टीयर और 0 की मदद से यहाँ पर हमने 50 लिख देना है। अशारिया से पहले हमने, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 50 बनेगा, तो अभी ये जो लाइट है वो इधर शो कर रही है। हमने टीयर के बटन को प्रेस करेंगे, ये एक और राइट साइड पर आ जाएगी, और यहाँ पर हमने 0 की मदद से, यहाँ पर 0 की मदद से हमने 50 लिख देंगे, ठीक है। और वेट भी हमारा इस टाइम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है। उसके बाद हमने हैश के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंड लिखा हुआ आ गया है। जब एंड लिखा हुआ आएगा तो मैंने आपको बताया था कि आपने कॉल स्विच को जो है, ये मैं इस टाइम में इसे कॉल स्विच को प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें, मैंने जैसे ही प्रेस किया तो इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैं वेट हटा भी रहा हूँ, ये वेट रख भी रहा हूँ, तो ये हमें 50 इस टाइम पूरा बता रहा है। तो इसके अलावा ये जो कैलिब्रेशन थी, ये थी कि आप इसकी डिवीज़न और डेसिमल पॉइंट कैपेसिटी, ये सब कुछ आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी एक और कैलिब्रेशन भी है, वही मैं आपको बताता जाऊँ। ये जब इंडिकेटर ऑफ होगा तो हमने हैश के बटन को प्रेस करते हुए इंडिकेटर को ऑन करना है। तो हमारे सामने जो ये जो भी वैल्यू आएगी, अब हमने फंक्शन के बटन को प्रेस करना है। जैसे ही हम फंक्शन के बटन को प्रेस करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट कैपेसिटी, ये वो सब कुछ छोड़ के ये डायरेक्ट नो लोड के ऊपर आ जाएगा। जब ये नो लोड के ऊपर आएगा तो हमने प्लेटफॉर्म को खाली कर देना है। उसके बाद हैश के बटन को प्रेस करना है, वही सेम तरीका के ऐड लोड आ गया। ऐड लोड के ऊपर हमने प्लेटफॉर्म को डेड वेट को रख देना है प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद हमने टीयर की मदद से यहाँ पर फिर हमने वैल्यू लिख देते हैं, 50 kg लिख देते हैं। उसके बाद हैश के बटन को प्रेस करेंगे, एंड आ जाएगा, और सेम वही इसकी कि हम कॉल स्विच को जब हम प्रेस करेंगे तो इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को विंग स्केल से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है। Thank you.
हैं।